माही, आप देख रहे हैं माही यूट्यूब चैनल। आज मैं करने लगी थी फ्री स्टाफ, जैसे कि मतलब कि मन आप पता नहीं कितनी देर बाद फ्री स्टाफ करते होंगे, मतलब कि मंथ, दो मंथ, तीन मंथ ऐसे। लेकिन मैं मतलब कि गर्मियों में ना मतलब कि ज्यादा से ज्यादा कम से कम 20 से 25 दिन के बाद साफ कर लेती हूँ फ्रिज, क्योंकि अब सर्दियाँ थी इसलिए आपको पता है सर्दियों में जैसे कि मेरे को ना 20-25 दिन के बाद मतलब ना मैं साफ कर, अब मेरे को सर्दियाँ थी तो सर्दियों की वजह से मतलब के आपको पता है ऊपर वाला खाना यूज ही नहीं होता, नीचे वाले खाना ज्यादा यूज होता है, ऊपर वाला खाना यूज नहीं होता। तो उसमें मतलब के फिर काफी दिनों के तकरीबन 2 से 3 मंथ हो गए हैं कि मतलब कि मैंने ऊपर वाला खाना नहीं खाया, कि अब मैंने मतलब कि सुबह से बंद की हुई है फ्रिज। अभी मैं मतलब कि नीट करने लगी हूँ, अब मतलब के चल के फ्रिज नीट करते हैं और साथ साथ बातें करते हैं, ठीक है। चलिए फैंस तो जैसे अब गाइस हम किचन में आ गए हैं, अब हम यहाँ से मतलब कि बर्तन वगैरह निकालते हैं, जैसे कि तांबिया वगैरह, जिसमें हम मतलब फ्रिज नीट करेंगे तो फ्रिज का मतलब जितना भी मतलब पानी वगैरह होगा ना, बर्फ वगैरह, वो आप उसमें डालेंगे, ठीक है। आए हम ये मतलब कि हम अब तांबिया निकाल, इसमें हम मतलब कि अब उसका पानी वगैरह डालेंगे जितना भी कचरा होगा, इसलिए इसमें डालेंगे तो फिर नीचे भी मतलब ना गंद नहीं डलता, ना नीचे गंद डलेगा और ना मतलब के मतलब नीचे खिलारा वगैरह बनेगा। अब हम इसमें उसका पानी वगैरह में छोड़ते हैं, चलिए आए। ये देखिए अब हम मतलब क्या है कि अंदर से सारा खिलारा वगैरह निकालते हैं, ठीक है जी। ये चीजें इसमें निकालते हैं बाहर, इसमें से ये सब बाहर निकालते हैं और फिर हम करेंगे फ्रिज नीट। पहले हम ये देखिए ये देखिए ये अब रखते हैं और ये देखिए ये मतलब के सीरप वगैरह जो इन्होंने पहले बस रखे हुए हैं ये जी। अब हम इसको ना अच्छे से नीट करते हैं, ये देखिए इनको अच्छे से हम नीट करेंगे। अब हल्का सा गीला कर लेते हैं कपड़े को ताकि अच्छे से नीट हो जाए, ये देखिए। अब हम करेंगे जी फ्रिज हमारी नीट, क्योंकि आपको पता है पूरा घर साफ और एक चीज गंदी हो ना तो वो मतलब कि वो सफाई नहीं होती, ठीक है। ये देखिए फ्रिज कितनी गंदी हुई है, ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए। अब इसके खाने जो चीजें हैं ना वो नीट करके रखते हैं, ये देखिए इसको नीट करते हैं, नीट करके रखते हैं ये। अब इसमें जो चीजें रखनी है वो रखते हैं हम, जैसे कि ड्राई फ्रूट डालते हैं, ये सिरप भी चलिए रख लेते हैं, बच्चों को जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि आपको पता है बच्चों वाले घर है उसमें मतलब कि बुखार वगैरह खांसी वगैरह वाला सिरप अक्सर पड़ा ही होना था। ये बिल्कुल ही अच्छी बात है कि अचानक से बच्चे बीमार हो जाए ना फिर समझ गया ये बनाओ तो मेरी सारी खराब हो जाए फैक्ट्री से, ठीक है। ये है इधर ये जो क्रीमी वो रखते हैं, ये देखिए ये ऐसे ही इसका नीचे वाला ढक्कन खोल, चले जी अब हम इसको लगाते हैं इधर, ये देखिए जी। अब इसमें ये अंडे वाले रखते हैं, ये देखिए अब हम इसको ये वाला हिस्सा नीट करेंगे, ये देखिए। फ्रिज साफ करना भी कोई आसान बात नहीं है, ये करो वो करो, ये देखिए जी
ये देखो जी, अब ये नीट हो गया, इसके हम डिब्बे नीट करके रखते हैं, ठीक है, ये हो गया जी, तो नीट करते हैं। चलिए अब इसको करते हैं स्टोव। ये देखें, अब हम मतलब कि यहाँ से फ्रिज नीट करेंगे, नीचे वाला हिस्सा इसका अच्छे से, ये देखें, ये जी अच्छे से हम फ्रिज अभी नीट करेंगे, ये जी ठीक है। ये देखें, ये पता नहीं नीचे भी इतना गंद है, ये देखें पता नहीं क्या होता है। ब्रेक, ये देखिए अब हमारी अंदर से फ्रिज हो गई है नीट, ये देखिए अब ऊपर वाला पानी। चलिए जी अब हम इसके अंदर ये चीजें जोड़ेंगे, ये जोड़ेंगे अब हम ऐसे। अब हम बॉक्स रखेंगे इसका, इसका कपड़ा किधर इसके साथ ना अच्छे से नीट करके, फिर धोया है तो फिर आपको पता ना गीला गीला होता है, और जरा ये लॉन के कपड़े से अच्छे से नीट हो जाता है। ये देखिए ये रखेंगे, उसके बाद इनके जो जितने भी डिब्बे वगैरह बॉक्स वगैरह हम वो वापस इसके अंदर रखेंगे इसके, ये देखिए ये सारी चीजें वापिस रख रहे हैं, ठीक है जी। ये दूध है, ये भी हम वापिस रखेंगे, अच्छा जी कंप्लीट हो गया सब कुछ, तो हम अब बंद करते हैं ताकि इसका बाहर वाला हिस्सा अच्छे से नीट कर लें। ये देखिए ये देखिए जी, मामी देख, चलें जी इसका बाय बाय। स्टार्ट। हाँ तो गाइस अब हमारी आज की वीडियो कंप्लीट हुई, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, कमेंट करें, और मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।